आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को चीप डोमेन नेम को खरीदना चाहिए या नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैं एक बडिंग टेक एंटरप्रेन्योर हूँ। सो यूजुअली जब भी आपको डोमेन नेम खरीदना रहता है तो आप एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार के थ्रू अपने डोमेन नेम को परचेस करते हैं। ये रजिस्ट्रार एक कंपनी हो सकती है एंड यूजुअली जो डोमेन नेम्स होते हैं जैसे xyz.com, facebook.com, .org.co.in, ये सारे डोमेन नेम्स होते हैं, ठीक है। ये एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार कंपनी आपके बिहाफ पे उसको रजिस्टर करती है। सो आप लोग इस तरह से एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार के थ्रू एक डोमेन नेम को परचेज करते हैं। नाउ बहुत सारी कंपनीज डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, जैसे बिग रॉक हो गया, नेम चीप हो गया, ब्लू होस्ट, साइड ग्राउंड, बिग गोडैडी, ये सारी कंपनीज डोमेन नेम रजिस्ट्रार है एंड ये सब डोमेन नेम को रजिस्टर करती है आपके लिए। सो ये इन सब के रेट जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। कोई आपको $10 में दे रहा है, कोई आपको 8 में दे रहा है, कोई आपको $7 में दे रहा है, कोई आपको $5 में दे रहा है, कोई $2 में दे रहा है। तो आप लोगों को काफ़ी वेराइटी मिल जाती है कि अलग अलग इनके प्राइसिंग सबकी अलग अलग रहती है। सो क्वेश्चन इज, क्या आप लोगों को डोमेन नेम किसी ऐसी वेबसाइट से ख़रीदना चाहिए जो आपको काफ़ी सस्ते में दे रहा हो, फॉर मान लीजिए $1 में, $2 में, तो क्या वहाँ से आप लोगों को डोमेन नेम खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अगर आप लोग मुझसे ये सवाल एक महीने पहले पूछते तो मैं कहता आप लोगों से कि आप लोग कहीं से भी परचेस कर लो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि डोमेन नेम में तो आप लोगों को सिर्फ नेम सर्वर डालना है एंड सब होस्टिंग का कमाल होता है। होस्टिंग के ऊपर आपकी सारी स्पीड और आपकी वेबसाइट डिपेंडेंट होती है। सो होस्टिंग इज द मेन सोल ऑफ इट, और डोमेन नेम कहीं से भी परचेस कर लो, इट डजेंट मैटर। बट अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ, तो पहले मैं वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों से कि क्या इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने एक ऐसे ही एक चीप डोमेन नेम को परचेस किया था, अराउंड एक $1 में, अराउंड 70 रुपीज़ में उन्होंने उसको परचेस किया था एक इंडियन डोमेन नेम से। एक इंडियन डोमेन नेम रजिस्ट्रार से, मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, और उन्होंने होस्टिंग भी उसी के साथ ही परचेस करी थी। नाउ होस्टिंग जो उन्होंने ली थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने सोचा कि अब वो चेंज करेंगे होस्टिंग को, उन्होंने अपनी होस्टिंग शिफ्ट करी। वो खुद डेवलपर नहीं, उन्होंने अपने डेवलपर को कहा कि वो उनकी होस्टिंग को शिफ्ट कर दें, उन्होंने होस्टिंग शिफ्ट करी एंड देन जब उनको डोमेन नेम से, जब उनको नेम सर्वर चेंज करने थे, उन्होंने वो भी कर दिए, लेकिन उनके नेम सर्वर्स चेंज ही नहीं हुए। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, उनके नेम सर्वर्स को चेंज ही नहीं किया गया। एंड देन उन्होंने मुझसे बात करी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, उनके डोमेन नेम के नेम सर्वर्स चेंज नहीं हो रहे। देन हम लोगों ने कॉल किया, बट कॉल पे हमें ये रिस्पॉन्स मिला कि ये टेक्निकल सपोर्ट है, वो लोग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। हम लोगों ने टिकट्स रेज करी, हम लोगों ने रोज टिकट रेज करी, बट उसका जो रेजोल्यूशन था वो नहीं मिल पा रहा था, वो लोग नेम सर्वर्स को चेंज नहीं कर रहे थे। हमने डोमेन नेम ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट करी एंड देवर लाइक कि आप लोग 60 डेज के अंदर अंदर को डोमेन नेम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आपका डोमेन नेम 60 डेज पुराना होना चाहिए, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र होगा। अरे अब आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट नेम सर्वर्स तो चेंज करो, ये तो लीगल राइट है ना। तो वो लोग उसको भी नहीं चेंज करने को तैयार थे, वो लोग कहते कि आप लोग वहीं पर ही होस्टिंग करें उनके सर्वर पर ही। और फिर अल्टीमेटली 10 दिन बाद, उनसे काफ़ी मेल्स के बाद और उनके काफ़ी स्लो रिप्लाईज के बाद, उन्होंने अल्टीमेटली नेम सर्वर चेंज कर दिए एंड होस्टिंग अब सही जगह पे पॉइंट कर रही, उस वो डोमेन नेम अब सही जगह पे पॉइंट कर रहा है। तो इस इंसिडेंट के बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, आप लोगों को कहीं से भी डोमेन नेम नहीं परचेज करने चाहिए। सो व्हाट माय एडवाइस राइट नाउ इज़ कि पहले आप लोग जाके जो भी कंपनी से आप लोग डोमेन नेम लेने का सोच रहे हैं, वहाँ पे जाके गूगल सर्च कर लें, देखें कि क्या उसके कोई रिव्यूज़ हैं। अगर उसके कोई रिव्यूज़ ही नहीं है तो आप लोग वहाँ से नहीं परचेज करें, एंड और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ है तो उसको पढ़ें एक बार और फिर अपना डिसीजन ले उसके ऊपर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग ध्यान में रखें वो है ट्रांसफ़र फीस का। कोई कोई डोमेन नेम रजिस्ट्रार जो रहते हैं वो ट्रांसफ़र फीस लेते हैं, और कोई कोई जो रहते हैं वो ट्रांसफ़र फीस को अवॉइड करते हैं, वो लोग नहीं लेते हैं। सो आप लोग उनसे पहले ही सेल्स में पूछ लीजिए कि अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो कितने दिन बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और कितने रुपीज़ की उसमें फ़ीस लगेगी। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप उनसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में हो सकता है काम में आ जाए। सो ये थी मेरी शॉर्ट एडवाइस। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के डोमेन नेम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोगों के नेम सर्वर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अगर ऐसा हुआ है या फिर कोई और एक्सपीरियंस है आप लोगों का तो उसे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।